चावल था जिला बजट में डाला, पहले वाला तो जुगाड़ होगी जिला बजट में डाला। कोरिया का भी है इसकी पूजा जो प्रतिदिन से निवेदन करूंगा और माफिया नीतियों से नीचे आके हमारे परमान अतिथियों से बहुत पुराना नाम था कि वो
कुंभरा थाना से होते हुए कुंभरापुर, तो बोलवा कुंभरापुर से कंदरई, ये रोड का मांग बहुत पहले से यहाँ उठते आया है। आदरणीय महाराज साहब का पूरा आश्वासन है, सीएम साहब के पास पहुँच गया है, एक आगे बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। बात से बहुत जल्द हम लोग का काम हो रहा है, जो भी मांग यहाँ के लोग करते हैं हमको लगता है करीब करीब सब काम पूरा किया जाता है। इसी तरह से आप लोग का सहयोग, आप लोग का स्नेह, आप लोग का आशीर्वाद करता रहे तो महाराज साहब हम लोग को आशीर्वाद देते रहे और इसी तरह से इस क्षेत्र का विकास हो। आज ये मंच शर्मा देखने का है, अपना लोकल उत्सव मनाने का है, इसलिए ज़्यादा न बोलते हुए मैं महाराज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आते हैं महाराज साहब, तो यहाँ की जनता आपको देखने के लिए बहुत गलाई हो जाती है। आप इसी तरह यहाँ अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हम लोग आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। शर्मा का जीवन में उपस्थित हम सब के यहाँ के जन जन के नेता परम आदरणीय महाराजा साहब, आदरणीय नानका का हमारे लखनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय श्री कृपा शंकर गुप्ता जी, बी भाई विजय विनय और भी मंच पे बैठे हुए हमारे आए हुए लखनपुर के सभी साथी, गुंगरा ग्राम पंचायत के हमारे सम्मानीय सरपंच उदय जी, साथ ही आसपास के गांव के आए हुए और हमारे सम्मानीय सरपंच साथी, जनपद पंचायत लखनपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मानीय श्री पांडे जी, हमारे लखनपुर के नायब तहसीलदार सम्मानीय यादव जी, यहाँ इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने वाले सभी कमेटी के सदस्य, उपस्थित कर्मा का आनंद लेने के लिए आए हुए सभी यहाँ आसपास के ग्रामीण जन, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये वो कर्मा का एकदम दिया। आप सब में उत्साह भरपूर है, लेकिन एक बार उत्साह का परिचय एक बार और आप सब दीजिए। एक साथ बोलिएगा भारत माता की जय। ये हो कौन है वाला मान, भारत माता की जय। और कौन माचिन, ये तरफ से भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत गुमगरा के गुमगरा कला के इस पावन धरा में हमारे सरगुजा के संरक्षक, हम सब के अगुआ सरगुजा महाराजा आदरणीय श्री टी एस सिंहदेव जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय नान काका, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लखनपुर के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री कृपनिया, लखनपुर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय दादा श्री भाई विरय राज, अंबिकापुर से महाराजा साहब के तरफ से आप सभी के बिजली के मामले को संभालने वाले हमारे आदरणीय मदन जसवाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे मंडी बोर्ड के सदस्य शरण गुप्ता जी, पंडित जी, हमारे सीओ साहब, नायब तहसीलदार साहब और काफी लोग हैं। आदरणीय मंच इस अंचल के उपस्थित हर ग्राम पंचायत से यहाँ एकजुट हुए हमारे सरपंच जी लोग, उप सरपंच जी, पंचगण, पंच प्रतिनिधिगण, सरपंच प्रतिनिधिगण और इस क्षेत्र के तमाम ऊर्जावान अपनी धरोहर को संजोए हुए लोग, मैं सभी सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और ये अवसर ज्यादा भाषणबाजी का नहीं है, लेकिन मुझे एक बात कहने में बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि जब से यहाँ, जब पहली बार मैं कुंभरा में आपके इस आयोजन में आया था, पहली बार शायद 2007-08 की बात होगी, उस समय हमारे साथियों ने मांग की थी कि बाबा महाराजा साहब हम सबका नेतृत्व अब कर रहे हैं, तो महाराजा साहब के माध्यम से हमारे क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाए विकास की,
कोई नई चीज दिखती जाए। और हमारे साथी सभी यहाँ गवाह हैं कि हम लोग छोटे छोटे बाउंड्री वॉल के टुकड़े से लेकर के शेड से लेकर के लाइट से लेकर के एक एक छोटी छोटी चीजों को आदरणीय महाराज साहब के आशीर्वाद से विकास किए माला के रूप में पिरो करके आप सबको आदरणीय महाराज साहब का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, एक तोहफा प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ कई बातें हैं जो आप लोगों ने महाराज निर्माण 200 मीटर बना हुआ देवाला का जीर्णोद्धार हुआ बाबा और शेड निर्माण जो ये बना बाबा जिसे बैठे हम लोग ये नया शेड निर्माण जारी हुआ बाबा बाजार में सप्तरीकरण और गांधी चौक से नाम तक तो गौरव पर देवन के अंदर 1 किलोमीटर दरोड़ बाबा जो कार्य और सभी सुना है जो कर्मा कार्यक्रम अच्छे से उस लाइट से भी चल रहा होगा। और हमारे यहाँ जो दो चार छोटा छोटा आगे बाबा वो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करा हमारे जो बगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके आंगन में बाबा अभी बरसात के दिन में कीचड़ हो जाता है उसमें डिलीवरी करके बहुत ज्यादा आता है बाबा यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है अंदर जमीन में कीचड़ बाबा आदि बाबा आए हुए थे अभी दो बात हुआ था तो 2 दिन के लिए मात्र 102 यहाँ आया था बाबा पहले रहता था हमारा 102 नीति के क्या
दो बात रहती हैं आजकल देखने को, ये मिल रहा है कि ईडी ज़्यादातर वहाँ दिख रही है जहाँ विपक्ष है, आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं लगता है, कांग्रेस के लोगों के पीछे पड़े हैं लगता है, तृणमूल कांग्रेस के लोगों के पीछे पड़े हैं लगता है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाजपा से जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। एक पक्ष ये है, राजनीतिक पक्ष, और दूसरा पक्ष है कि कहीं गलत हुआ है क्या। अगर गलत हुआ है तो उनको रोका नहीं जा सकता, अगर उनके पास सबूत हुए हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो वो कार्रवाई करना उनकी जवाबदारी है, नहीं तो ईडी तो राजनीति में बंद हो जाएगी। तो पहली चीज़, इसमें राजनीति नहीं दिखनी चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है तो आप कार्रवाई करिए, लेकिन उसका देश के नागरिकों का विश्वास लीजिए कि ये दलगत मामला नहीं है। अगर गोवा में भ्रष्टाचार हुआ है तो गोवा में भी ईडी की कार्रवाई होगी, अगर कर्नाटक में भ्रष्टाचार हुआ है तो कर्नाटक में भी ईडी की कार्रवाई होगी। ये अंतर है, जो गलत है वो गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन भेदभावपूर्ण गलत मामले में भी कार्रवाई होती है तो फिर दिल दुखता है कि भाई हमारे को आप गलत साबित कर रहे हो, आप गलत हो तो आप कार्रवाई वहाँ क्यों नहीं कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।